हेलो एवरीवन, मैं गरिमा रसोई की हम आपके लिए लाए हैं आम का पन्ना, जो कि यूपी की ट्रेडिशनल ठंडा पेय है। इसमें अनेक मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आइए हम जानते हैं। इसके लिए हम दो कच्चा आम लेंगे 250 ग्राम्स और 100 ग्राम हम शुगर लेंगे एक कटोरी, और भुना हुआ जीरा पाउडर एक चम्मच, और ये पुदीने की पत्तियाँ आधा कप, और 8-10 दाने काली मिर्च के, काला नमक 1.5 चम्मच। सबसे पहले आम को एक सीटी लगा के कुकर में बॉईल कर लेते हैं, फिर उसके छिलके को हम ठंडा होने में उसके छिलके को हम निकाल लेते हैं और उसके गुदे को अलग कर लेते हैं इस तरीके से। वैसे आम को हम छील करके भी उबाल सकते हैं गुदे को निकाल करके, बट साबुत आम को ही हमने उबाला है। बॉयल आम को बड़े आसानी से हम छील सकते हैं और उसके गुदे को भी हम स्पून की मदद से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, गुठली में भी नाइफ की मदद से गुदे को हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमारा जो आम का गुदा है वो निकल चुका है। इसे हम जार में डाल के महीन इसको हम पीस लेते हैं। ये पुदीने की पत्तियाँ हैं, ये चीनी है, और ये जीरा पाउडर। ये पानी हमने चिल्ड लिया है, इसमें हम एक गिलास पानी डाल करके गुदे को हम पीसते हैं और पानी हम बाद में ऐड करते हैं। इसे हम महीन पीस लेते हैं। इधर हम दूसरी साइड ये काली मिर्च पाउडर और ये काला नमक इधर पीसने के बाद हम इसको छान लेते हैं। फिर जार को हम आधा गिलास पानी से जार को हम धुल के निकाल लेंगे। वैसे आम पन्ना हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जो समर सीज़न में लू और धूप लगने से भी हम लोगों को बचाने में काफ़ी कारगर होता है। यहाँ पे हमारा आम का पन्ना लगभग 1 लीटर बन के तैयार हुआ है। आप इसमें चाहें तो 1/2 कप पानी और ऐड कर सकते हैं, और जो चीनी है वो उस हिसाब से रहेगा आपके अपने चॉइस पर। अगर आप खट्टा चाहते हैं तो उस हिसाब से, और नहीं अगर मीठा चाहते हैं इक्वल तो और चीनी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारा आम पन्ना तैयार है। इसे हम सर्व करने के लिए जग में डाल देते हैं। अब हम इसे सर्व करने के लिए ग्लास में निकालते हैं, और ठंडा ठंडा आम का पन्ना पीने के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसमें हॉट चिल्ड के लिए आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, बट कोरोना काल में हम बहुत चिल्ड शरबत यूज़ नहीं करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड